फॉर्म है और फॉर्म में आज आपको मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा ब्रीडिंग हुआ है। इतना ही बेहतरीन ब्रीडिंग हुआ ना कि हर बॉक्स में लगभग आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इतना अच्छा ब्रीडिंग हुआ, इतना अच्छा ब्रीडिंग के लिए आपको सही डाइट प्लान करना पड़ेगा। इतना अच्छा ब्रीडिंग के लिए आपको सही डाइट प्लान बर्ड्स के ऊपर लाना पड़ेगा। आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि बर्ड्स को कैल्सिलक्स बॉर्न, फर्टिबीट, ऑप्टिबीट, कैल्सिलक्स, कैटलफिश बॉर्न, ये सब। और उसके अलावा अगर आप और भी चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, मैं एक अलग से मेडिसिन 7 डेज का जो डाइट प्लान होगा वो भी मैं दिखा दूंगा। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ हमारे ब्रीडिंग सेटअप के अंदर, और ब्रीडिंग सेटअप में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा ब्रीडिंग हुआ है। और इतना ही बेहतरीन ब्रीडिंग हुआ ना कि मैं सबसे पहला बॉक्स में आपको दिखाता हूँ हमारा यहाँ का बॉक्स। और अगर यहाँ बॉक्स अगर मैं सबसे पहला अगर मैं दिखाऊँ तो चलिए मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लिया हूँ और पहला बॉक्स में खोलने वाला आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफी बेहतरीन एक चिक्स है और ये फीमेल देखिए कितने एग्रेसिव मूड पे है, क्योंकि मैंने उसका बॉक्स खोल दिया तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करके पहला बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए क्या बेहतरीन, यहाँ तो काफी अच्छा है और ये दो का दो चिक्स हुआ है, बेहतरीन दो का दो चिक्स है, काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं आप दो तो हैंड फीडिंग के लिए, इसको तो आप मैं हैंड फीडिंग में यूज कर सकता हूँ, इतना अच्छा बेहतरीन दो चिक्स हुआ है। ठीक, उसके बाद मैं थर्ड वाला में आता हूँ और थर्ड वाला में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से खोल कर। इसमें तो और भी अच्छा है, इसमें देखते हूँ कि कितना क्या चीज हुआ है। तो चलिए मैं इसको अगर मैं खोलू तो इसको मैं ऐसे करके थोड़ा टाइट है और देखिए दोस्तों वाह बेहतरीन। इसके फादर इसके जो फीमेल यहाँ पे है और दो चीज है और काफी अच्छा ब्रीडिंग है। ऐसा ही ब्रीडिंग चाहिए आपको बर्ड्स के लिए। एक बॉक्स यहाँ पे है और जैसे ही मैंने इसके पास आया ना तो इसका फादर मदर एकदम ही एग्रेसिव हो गया और मैं अभी खिलाता हूँ दिखाता हूँ। और देखिए ये फीमेल यहाँ पे है और क्या बेहतरीन प्रोग्रेस है और फीमेल का कलर देख सकते हो और तीन एगले इसमें हो चुका है। तो वाला अगर मैं दिखाया वहां के बाद मैं अगर यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे आपका है, ये आपका देख सकते हैं फीमेल एग्रेसिव मूड में है और ये 1 2 दो इसमें छोटे छोटे चिक्स है, बेहतरीन दो चिक्स है और शायद और भी है क्या। वाह फीमेल मेरे को मारने आ रहा है, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं इसका चिक्स देख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करके मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये सब बॉक्स में ब्रीडिंग हुआ, फीमेल एग्रेसिव है, इसमें एग है, इसमें एग है, तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा जो सरप्राइजिंग ब्रीडिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा पाइनएप्पल कॉर्नियल जो कि ओपन एवरी से डायरेक्ट बॉक्स में जाके काफी बेहतरीन सरप्राइजिंग रिजल्ट हुआ वो मैं आपको लेकर सरप्राइजिंग रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पाइनएप्पल कॉर्नियल गेट मेरा खुला हुआ, यहाँ पे एक सरप्राइजिंग रिजल्ट हुआ जहाँ पे पाइनएप्पल कॉर्नियल का बेहतरीन ब्रीडिंग हुआ है। ऐसा ब्रीडिंग हुआ कि इसका मेल कोई आता है यहाँ पे चले जाता है उसके बाद फिर यहाँ से आके जाता है। मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी ब्रीडिंग होगा कि ओपन एवरी से जस्ट गेट खुला हुआ था, सडनली मैंने उसके लिए इसका भी गेट खोल दिया और कुछ दिन से देख रहा हूँ ये बॉक्स में भी गेट खुला रहने से बच जा रहा है। खाली फूड आप वाटर आप सब इसमें हम लोग कर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो कैसा क्या ब्रीडिंग हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं ये वाला गेट अगर मैं खोलूँ तो इसमें देखिए इसी में पाइनएप्पल कॉर्नियल का सिर्फ फीमेल ही दिखेगा आपको, अभी तक मेल कौन है वो भी मैं नहीं जानता। और देखिए दो बेहतरीन चिक्स हुआ है, दो काफी अच्छा चिक्स हुआ है और दो इतना अच्छा चिक्स है कि आप कुछ बोलने का नहीं होता कि कितना ब्यूटीफुल ब्रीडिंग हुआ है। आप देख सकते हैं ये येलो साइड कॉर्नियल में 4 एगले किया हुआ है, काफी बेहतरीन है, ज्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और ये जैसे मैंने किया वह फीमेल उस बॉक्स से ऑलरेडी निकल गया है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको मैं बंद कर देना चाहता हूँ और इसे मैं बंद कर देता हूँ येलो साइडेड कॉर्नियल का ब्रीडिंग में। और हरी बॉक्स में कुछ ना कुछ है तो सब बॉक्स को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है, क्योंकि सब एक है, सब ब्रीडिंग मूड में आया हुआ, सब ब्रीडिंग ले रहा है, सब ब्रीडिंग कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको लेके आता हूँ बाहर। तो फाइनली मैंने अपने ब्रीडिंग सेटअप का जस्ट शॉर्ट पार्ट्स में दिखाया, कैसा लगा ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस। अगर अच्छा लगा तो वीडियो में एक कमेंट करें और आप भी अगर ऐसा ब्रीडिंग चाहते हैं तो आपको भी अपने बर्ड्स का डाइट प्लान, अपने बर्ड्स का फूड सिस्टम, अपने बर्ड्स का आपके सही टाइम में सही फूड खिलाना और बर्ड्स को अच्छा से मेंटेन, सही एक बर्ड्स को नेचुरल में जो जो चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बर्ड्स को सही मात्रा में विटामिन डी भी चाहिए, बर्ड्स को कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सब आपको प्रोवाइड करना है। और नेचुरल जो आप फूड खिला रहे हैं
हो सके अगर उसमें आपको सारे कुछ नहीं मिल पा रहा है तो उसके साथ भी आप बहुत सारे मेडिसिन भी है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी है मैं आपको वो इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि कितना अच्छा ब्रीडिंग हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो में यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। दुर्गापुर बचपन में मैं अभी से किसी तरह वीडियो लाते रहूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।